दोस्त, अगर आप सुबह उठना चाहते हो, उठकर के पढ़ना चाहते हो, दौड़ना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, सुबह उठना आपके लिए जरूरी है, लेकिन आप सुबह उठ नहीं पाते हो, आपकी नींद नहीं खुल पाती, स्नूज का बटन दबा देते हो, जो भी प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस वीडियो में वो सारी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करेंगे जो आपको सुबह उठने से रुक रही है। और दोस्त, वीडियो को लास्ट तक देखना, ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा जो आपको सुबह में उठने से रोकने वाली सारी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगी। इसके बाद आपको सुबह उठने में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, ये आपकी लास्ट कोशिश होगी। देखो, आप सुबह उठने में कहां फेल होते हो ये जानो पहले। गलती नंबर वन, सुबह उठने के बाद फर्स्ट काम कौन सी करनी है, इसका लिस्ट है आपके पास? नहीं है, बनाओ पहले। और दिमाग में नहीं, पेपर पर होनी चाहिए। और सबसे फर्स्ट काम सबसे आसान होनी चाहिए, मुश्किल नहीं। जैसे ही आपके माइंड को ये लगा कि उठने के तुरंत बाद कोई मुश्किल काम करना है, जैसे उठने के तुरंत बाद पढ़ना हो या उठने के तुरंत बाद दौड़ने जाना हो, एक तो उसे उठने में कठिनाई होती है, और जैसे ही पता चलेगा कि उठने के तुरंत बाद कोई मुश्किल काम करना है, 90% चांस है कि वो आपको कन्विंस करेगा कि आज बस सो लेने दो, कल से जरूर समय पर उठ जाऊंगा, और पता नहीं कि कल कितने दिन से हो रहा है, राइट? तो उठने के तुरंत बाद कितने समय में कौन सा काम कर लेना है, वो भी सबसे इजी। जैसे उठने के तुरंत बाद 2 गिलास गुनगुना पानी पी लो, 5 मिनट के लिए टहल लो, फ्रेश हो जाओ। जैसे ही आप एक्टिव हो जाओ, उसके बाद में कोई भी मुश्किल काम कर सकते हो। जैसे पढ़ना है पढ़ सकते हो, दौड़ने जाना है जा सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। गलती नंबर टू, मोबाइल चलाते चलाते लेट सोते हो, क्योंकि अधिकांश लेट सोने वाले लोग मोबाइल ही चलाते हैं। लेट सोते हो और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हो, तो ये कोशिश जिंदगी भर करते रह जाओगे, उठ नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी, दोस्त अलार्म का बाप आ जाए, नहीं उठ पाओगे। अगर उठ भी जाओ तो दिमाग में हमेशा नींद घूमता रहेगा और कुछ इफेक्टिव नहीं कर सकते। पर कुछ लोग होते हैं जो नींद पूरी हो जाने के बाद भी नहीं उठ पाते हैं, तो यही तो प्रॉब्लम खत्म करने वाला हूँ। कोई भी रीजन हो, मैं आपको उठाकर ही रहूंगा। तो अब बात करते हैं कि सबसे मुश्किल काम, कि सुबह उठना कैसे है। वैसे भी तो ये मुश्किल नहीं है, पर लगता है कि मुश्किल है। सोने से पहले 4 बातों का ध्यान रखना। नंबर वन, नींद का ड्यूरेशन 7 घंटे से कम मत रखो। 5-6 घंटे की रखोगे, अगर नींद पूरी नहीं होगी तो दिन में नींद आने लगेगी। अगर आपकी नींद अच्छी से पूरी हो जाती है, उसके बाद 17 घंटे पर डे कुछ करने के लिए कम नहीं होता। वो तो अलग बात है कि नींद लेने में आपको टाइम की बर्बादी लगे, लेकिन उसके कई गुना ज्यादा आप गलत जगह टाइम बर्बाद कर दोगे। और वैसे भी 7 घंटे की नींद हमारी हेल्थ के लिए परफेक्ट है, ना ही कम और ना ही ज्यादा। नंबर टू, रात में ना ही बहुत कम और ना ही बहुत ज्यादा भोजन करने हैं, मीडियम भोजन करना है। मीडियम रहेगा, सुबह जल्दी नींद खुलेगी। नंबर थ्री, स्लीपिंग स्लॉट का ध्यान रखो। अगर 4 बजे जगने हैं तो रात को 9 बजे सो जाओ, 7 घंटे की नींद 4 बजे तक पूरी हो जाएगी। अगर 5 बजे जगने हैं तो 10 बजे सो जाओ, 7 घंटे की नींद 5 बजे तक पूरी हो जाएगी। अगर 6 बजे जगने हैं तो 11 बजे सो जाओ, 7 घंटे की नींद 6 बजे तक पूरी हो जाएगी। तो दोस्त, इस स्लॉट का खास ध्यान रखो। नंबर फोर, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल यूज करना बंद कर दो। इस समय कोई किताब पढ़ सकते हो, बेहतर रहेगा। और सोने से पहले भी 1 गिलास पानी जरूर पी लो। ये हो गई सोने से पहले का काम, राइट? जब टाइम होती है सुबह जगने की, तब बात आती है कि नींद नहीं खुल पाती, जगकर बिस्तर नहीं छोड़ पाते या स्नूज का बटन दबा देते हैं। प्रॉब्लम यही है, राइट? अगर आप बिस्तर छोड़ दो और आप पूरी तरह एक्टिव हो जाओ तो प्रॉब्लम खत्म है ना। तो देखो, अगर ये 4 काम सोने से पहले कर लेते हो तो आपकी 7 घंटे की नींद पूरी हो गई है। अब आप उठने के लिए तैयार हो, बस नींद को खोलना है और बिस्तर को छोड़ना है। इसके लिए अलार्म लगाओगे, राइट? लेकिन नॉर्मल अलार्म नहीं लगाना, तो इसके लिए ये अलार्मी ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। इसका फायदा क्या है, इसको चाहकर भी आप स्नूज नहीं कर सकते और डिसमिस यानी बंद तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तब तक बजेगा जब तक इसका टारगेट पूरा ना करो। जैसे अलार्म सेट कर दो, स्नूज का बटन ऑफ कर दो, उसके बाद मिशन सेट कर दो। इसको बंद करने के लिए आपको मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, या मैथ का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इजी भी है, मीडियम भी है, हार्ड भी है और वेरी हार्ड है। या आप किसी क्यूआर कोड को ऐड कर सकते हो, या किसी पार्टिकुलर जगह की फोटो क्लिक कर सकते हो।
जो आपके बेड से कम 30 या 35 कदम दूर हो। और इसे सेट करने के बाद जब सुबह सेट किए टाइम पर बजने लगेगा, जब तक आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते तब तक ये अलार्म बंद नहीं होगा। इसका प्रीमियम भी है जो आपको कुछ स्टेप चलने के बाद बंद होगा, इसको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है कि आप मैथ का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दो और उसके बाद में फिर से दोबारा सो जाओ, हो सकता है ये। लेकिन आप किसी पार्टिकुलर जगह की जाकर के फोटो सेट कर लेते हो और जब तक उस जगह पर जाकर के दोबारा फिर से फोटो क्लिक नहीं करोगे तब तक ये अलार्म बंद नहीं होगा, तब तक आप अपने बेड को छोड़ चुके होंगे, राइट। दोस्तों, फोटो क्लिक करना सबसे कारगर तरीका है, इसे जरूर सेट करो, दूसरा कोई सेट मत करो। अब आप कहोगे कि मैं अगर दोबारा आकर के सो गया तो देखो, अगर आप कुछ करने के लिए जग रहे हो तो आप उठकर दोबारा सोओगे क्यों? अगर आपको कुछ करना ही नहीं है तो सुबह अपनी आराम की नींद को छोड़ करके उठोगे क्यों? और दोस्त, आपके अंदर दो इंसान बैठा हुआ है। एक, जब आप सोने के लिए जाते हो तब आप कहते हो कि मुझे सुबह उठना है और किसी हाल में मैं सुबह उठूंगा, तो उस समय आपके अंदर बैठा अच्छा इंसान बोल रहा है। लेकिन जब सुबह उठने की बारी होती है तो दूसरा इंसान काम करता है जो बुरा होता है। वो कहता है कि उठना जरूरी नहीं है, तुम सो जाओ और तुम्हारे जिंदगी बर्बाद हो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्त, सोने से पहले आप उस इंसान के साथ रहोगे जो आपको सुबह उठाना चाहता है, तो ये सारी चीजें सोने से पहले कर लो। और जब दूसरी इंसान की बारी आती है जो आपको उठाना नहीं चाहता, तो फिर से सोने के लिए अलार्म को बंद करना होगा। और अलार्म को बंद करने के लिए आपको बेड छोड़ना होगा और उस जगह पर जाना होगा और फिर से एक फोटो क्लिक करना होगा, तभी अलार्म बंद होगा। तब तक आपको सोने से पहले रात वाला इंसान एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्त, ये तरीका बहुत कारगर है, आप इसे फॉलो करके जरूर देखिए, आप जरूर उठोगे। कैसा लगा वीडियो दोस्त, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।